तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो फाइनली गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो VGMI के अंदर A2 रोल पास आने वाला है उसकी जो ऑफिशियल डेट क्या रहने वाली है और ऑफिशियल जो 1-100 रिवार्ड रहने वाले हैं A2 RP के वो क्या रहने वाले हैं। एंड इसके अलावा गाइस, हम बात करेंगे कि जो अपना नेक्स्ट RP रहने वाला है यानी कि वीक रहने वाला है वो 7 वीक तक जाएगा या फिर 8 वीक देखने को मिलेगा हमें A2 रोल पास के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब कुछ कर देना मेरी जान, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे हम आरपी के अंदर चलते हैं, तो जैसे आप आरपी के अंदर जाओगे मेरी जान, तो आप यहां डेट चेक करोगे तो हमारी जो ऑफिशियल डेट रहने वाली है गाइस वो नेक्स्ट मंथ 2 अक्टूबर को रहने वाली है, यानी कि आज आज का दिन मिला के 10 या 11 दिन ही बचे हैं गाइस। तो 10 या 11 दिन के बाद हमारी गेम के अंदर A2 रोल पास आ जाएगा 2 अक्टूबर को। और जो अपनी A1 रोल पास की जो ऑफिशियल डेट है जो एंड होगा वो होगा 2 अक्टूबर सुबह 5:30 बजे गाइज एंड हो जाएगा, और जो ऑफिशियल डेट है A2 रोल पास की वो सुबह 7:30 बजे है, यानी कि 2 अक्टूबर को हमारा जो A2 RP है वो सुबह 7:30 बजे आपको अनलॉक मिल जाएगा आपकी गेम के अंदर। और जो एंड डेट है वो भी 2 अक्टूबर ही है गाइज, वो भी सुबह 7:30 बजे एंड हो जाएगा अपना A1, और A2 अपना आ जाएगा सुबह 7:30 बजे। तो ये ऑफिशियल डेट रहने वाली है। एंड इसके अलावा गाइज, हम करते हैं अभी वीक की बात। तो जैसे हम वीक के अंदर जाएंगे, फिलहाल अभी आपको पता है कि मेरे जन A1 रोल पास के अंदर आपको 7 वीक तक का ही जो मिशन है वो करने को मिल रहा है, बट जो नेक्स्ट RP रहने वाली है मेरे जन उसके अंदर भी आपको 7 वीक तक का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मत सोचो कि 8 वीक का रहने वाला है, तो उसके अंदर भी आपको जो मिशन है वो 7 वीक तक का ही देखने को मिल जाएगा मेरी जन। 8 वीक का तो फिलहाल अभी मेरे को नहीं पता कि कब आने वाला है, बट 7 वीक तक के जो मिशन है आपको नेक्स्ट RP के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि 7 वीक के मिशन इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये भाई क्राफ्टन वाले पबजी के साथ थोड़ा मैच करना चाहते हैं अपनी गेम को, यानी कि सेम टू सेम जैसे भी फिलहाल जो अपडेट है वो सेम टू सेम आ रहे हैं, बट जो डिफरेंस है वही 20-25 दिन का डिफरेंस है बीच में, ठीक है, बट अपडेट सेम ही आ रहे हैं। तो ऐसे ही ये करना चाहते हैं कि जो इनकी RP है वो भी आप सेम टू सेम रखने वाले हैं, बट वो बीच में जो डिफरेंस है 20 या 25 दिन का वो बीच में रखेंगे, ठीक है ना। जैसे फिलहाल अभी अपना आपको पता है कि पबजी के अंदर चल रहा है A3 और VGMI के अंदर अभी फिलहाल A2 आएगा, तो ये डिफरेंस खत्म करने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो आगे से ऐसा रहेगा कि अगर पबजी के अंदर A3 आ रहा है तो VGMI के अंदर भी A3 आएगा, तो ये डिफरेंस खत्म करने के लिए उन्होंने 7 वीक तक के ही हमें तो नेक्स्ट RP के मिशन देने हैं। और इस टाइम भी आपको पता है कि A1 के अंदर 7 वीक तक के ही मिशन चल रहे थे मेरी जान, ठीक है। तो ये भी आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। एंड जो अपना ऑफिशियल डेट है वो भी मैंने बता दिया कि 2 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे आपको जो A2 रोल पास है आपकी गेम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा मेरी जान, ठीक है ना। बाकी फिलहाल अभी आपको मैं बता देता हूँ कि जो A2 के जो ऑफिशियल रिवार्ड हैं जो आपको VGMI के अंदर देखने को मिलेंगे वो भी मैं आपको 1-100 रिवार्ड भाई सारे दिखा दूंगा मेरी जान। तो गाइज, जैसे हम A2 रोल पास के अंदर आते हैं तो सबसे पहले गाइज आपको एक RP पे ये अपना ड्रेस देखने को मिल जाएगा, सर्फ साइड स्वीट हार्ट कवर, एंड इसका जो ड्रेस है गाइज आपको एक RP के ऊपर देखने को मिल जाएगा मेरी जान। एंड इसके अलावा गाइज अपना 2 RP के ऊपर आपको मिनी मटेरियल, एंड इसके अलावा गाइज आपको सारी रिवार्ड मैं होल्ड धीरे धीरे करके सारी चेक करवा दूंगा, ठीक है ना गाइज। एंड इसके अलावा गाइज आपको 10 RP के ऊपर अपना SKS की स्किन देखने को मिलेगी, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ गाइज जो अपना नेक्स्ट A2 रोल पास है ना भाई काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा रहने वाला है, खतरनाक सा रहने वाला है। ये SKS का स्किन भी देखो काफ़ी पिंकिश हुआ पड़ा है गाइज। एंड इसके अलावा गाइज आपको 15 RP पे मिलेगा ये अपना एरोप्लेन का स्किन, एंड इसके अलावा गाइज 15 RP पे आपको फ्री RP के अंदर ये अपना इमोट मिलने वाला है। आपको पता है कि 2 से 3 इमोट मिलते हैं आपको फ्री RP के अंदर। एंड इसके अलावा गाइज थोड़ा आगे चलते हैं धीरे धीरे करके, यहाँ आपको 20 RP के ऊपर ये वाला हेलमेट मिलने वाला है, रेनबो ब्लेड्स हेलमेट गाइज। तो थोड़ा ये भी बढ़िया हेलमेट है, यानी कि कहने का मतलब ये है गाइज कि A2 रोल पास है काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। एंड इसके अलावा आपको UC वापस मिल जाएगी। एंड इसके अलावा नेक्स्ट RP के अंदर गाइज आपको ये शाइनिंग स्टार जो वाउचर हैं ये भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो अभी आपको प्रीमियम क्रेडिट मिल रहे थे वो रिमूव हो जाएंगे मेरी जान। एंड इसके अलावा गाइज थोड़ा इसको डाउनलोड हो जाने दो, आपको ये अपना इसको क्या बोलते हो हनी वेजर की जो गन की स्किन है आपको फर्स्ट गन की स्किन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी 30 RP के ऊपर। एंड इसके अलावा गाइज आपको ये वाला मिथिक जो इमोट रहने वाला है, आपको पता है कि A2 रोल पास के अंदर आपको 4-4 मिथिक मिलने वाले हैं, तो पहले मिथिक का जो इमोट है ये रहने वाला है गाइज। एंड इसके अलावा गाइज आपको फिर मिनी मटेरियल, एंड इसके अलावा मेरे को एंड बोलने की आदत पड़ चुकी है गाइज, तो
सहन कर लिया करो। एंड इसके अलावा गाइज 40 RPG के ऊपर आपको दो दो मिथिक देखने को मिल जाएंगे, फीमेल मेल का ड्रेस दोनों ही ठीक है, आपको जो अच्छा लगे पहन लो, और उसका जो कवर है वो भी देखने को मिल जाएंगे। यानी कि 40 RPG के ऊपर आपको दो मिथिक आइटम देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा वही वाउचर शाइनिंग स्टाइनिंग स्टेज वाउचर, जो अपना अल्टीमेट ड्रेस आने वाला उसका वाउचर गाइज। एंड इसके अलावा रूम कार्ड देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा गाइज आपको 50 RPG के ऊपर जो सबकी फेवरेट UMP 45 देखने को मिल जाएगी, जो आप फ्री में अपग्रेड कर सकते हो गाइज नेक्स्ट RP के अंदर। तो इसका लेवल अप भी आपको एक बार मैं चेक करवा देता हूँ, वैसे सबको लेवल अप इसका देखा हुआ है बट फिर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ ठीक है। तो 3 लेवल के अंदर आपको ऐसी देखने को मिल जाएगी, यानी इसका किल मैसेज आपको 3 लेवल के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा अगर आप इसको अपग्रेड कर लोगे मेरी जान ठीक है ना। तो मेरे को पता कि सारे बंदे UMP ही अपग्रेड करेंगे, तो थोड़ा पीछे आ चुका था मैं, आ चुका था RP के अंदर, तो थोड़ा इसको स्क्रॉल करके आगे चलते हैं गाइज। एंड उसके अलावा गाइज आपको ये कवर मिल जाएगा, कुछ घटिया सा कवर है 50 RPG के ऊपर। और 51 के ऊपर गाइज वही आपको गाइज मिनी मटेरियल जो RP का पॉइंट कार्ड है वो मिल जाएगा, यानी RP कार्ड मिल जाएगा। एंड इसके अलावा गाइज ये 55 RPG के ऊपर ये फ्री वाला चेयरफुल शवाइंग जो इमोट है वो फ्री में देखने को मिल जाएगा, डांसिंग इमोट है गाइज। एंड इसके अलावा आपका जो AMR का फर्स्ट स्किन होगा गाइज वो भी आपको RP के अंदर मिल जाएगा, तो पिंकिश गुलाबी गुलाबी हो रखा है 55 RPG के ऊपर। एंड इसके अलावा गाइज काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा आपको बैकपैक देखने को मिल जाएगा 60 RPG के ऊपर, यम शेल्स बैकपैक गाइज, काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा है ठीक है ना। तो मेरे को तो बढ़िया लगा गाइज। एंड इसके अलावा वही ठीक है वाउचर, अल्टीमेट का वाउचर। और इसके अलावा गाइज आपको 68 RPG के ऊपर मिनी मटेरियल, ये तो आपको भाई मिलने वाले नेक्स्ट RP के अंदर से भी। एंड इसके अलावा आपको बग्गी का स्किन, बग्गी स्वीट किस बग्गी। एंड इसके अलावा आपको 70 RPG पे ये फ्री के अंदर ये वाली ड्रेस। और इसके अलावा गाइज आपको वही अपग्रेड कार्ड मिलने वाला है 75 RPG के ऊपर। और इसके अलावा 80 RPG के ऊपर आपको गाइज ये वाला स्कर्ल का स्किन मिलने वाला है, काफ़ी ठीक है, ठीक ठाक सा है, फ्री के अंदर तो आपको पता ही ऐसे ही मिलता है। एंड ये वाला रहने वाला है गाइज अपना 100 RPG का जो इमोट है वो रहने वाला है। एंड इसके अलावा गाइज वही आपको 85 पे मिनी मटेरियल, वही नीचे कार्ड। और इसके अलावा गाइज आपको मैं आगे थोड़ा दिखा देता हूँ, आपको AKM का स्किन भी मिलेगा 90 RPG के ऊपर, इतना खास नहीं है बट आपको AKM का स्किन है आपकी इन्वेंट्री में जुड़ जाएगा मेरी जान। एंड इसके अलावा वही अपग्रेड कार्ड। और इसके अलावा गाइज आपको 100 RPG के ऊपर वो ही 100 RPG का ड्रेस जो आप अपग्रेड कर सकते हो गाइज अपने हिसाब से, तो इसके लिए आपको गाइज वही अपग्रेड कार्ड लगेंगे जो मैंने आपको बताया था, RP के अंदर आपको फ्री में मिल ही जाते हैं और मिशन के अंदर भी मिल ही जाते हैं, तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसा आपको लगे वैसा आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। एंड इसके अलावा गाइज इसका जो भाई रिडीम है जिसके अंदर आप RP ज़्यादा होने के बाद क्रेट ओपन कर सकते हो, इसके अंदर आपको गाइज 11, 12, 15 तो कुछ RP जो आपका मिस हो गया होगा तो आप यहां से निकाल सकते हो। जब आपकी RP 100 हो जाएगी, 100 RPG होने के बाद जो भी आपके पास पॉइंट बचेंगे तो आप फ्री में यहां से इसकी क्रेट ओपनिंग कर सकते हो RP चॉइस क्रेट के अंदर से गाइज, तो अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरे पास तो ये सारा कुछ पड़ा ही है, मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी फिलहाल देख लेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो उसकी क्रेट ओपनिंग कर लेंगे जब अपनी 100 RPG हो जाएगी 8 रोल पास के अंदर। एंड इसके अलावा गाइज आपको इसके अंदर अपना अपग्रेडेबल UC के अंदर यहाँ से ग्रेनेड मिल जाएगा। और इसके अलावा गाइज नीचे ये 900 UC का भाई ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मेरे को तो इसका नाम ही नहीं पता, कभी मैंने इसको उड़ाया नहीं गेम के अंदर ठीक है, इसका नेम ही नहीं पता। और इसके अलावा आपको 600 UC के अंदर ये वाला इमोट, इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो गाइज, इसको A2 के अंदर जो ये इमोट रहने वाला 600 UC के अंदर इसको अपग्रेड भी कर सकते हो, बट अपग्रेड करने के लिए इसको आपको मेरी जान ये जो ऊपर छड़ी है ये लगने वाली है, यानी आपका 1500 UC मान के चलो, 1500 से 1200 UC लग जाएगा इसको अपग्रेड करने के लिए मेरी जान। एंड इसके अलावा 900 UC के अंदर आपको ये वाला सैंड कास्ट क्या था पता नहीं क्या नेम था पता नहीं चला गया पीछे, तो ये वाला इमोट मिल जाएगा। एंड इसके अलावा गाइज आपको ये वाला एक 600 UC के अंदर A1 जो अभी फिलहाल चल रहा है उसका इमोट भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपके पास मिस हो जाएगा तो ठीक है, बाकी अगर A1 के अंदर आपने ले रखा है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर मिस हो जाए तो A2 के अंदर ही आप ले सकते हो इसको। तो गाइज ये रहने वाले हैं 1 to 100 रिवार्ड, तो कैसा लगे आपको मेरे को नीचे कमेंट कर देना मेरी।